हेलो गाइस, आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है गाजर का हलवा बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना। गाजर का हलवा बनाने के लिए ये हमने 1 किलो गाजर ली हैं। इनको हमने छील लिया है और अच्छे से धो लिया है। और ये मैंने एक कटोरी में किशमिश ली हैं, बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। और ये एक बड़ी कटोरी हमने मलाई ली है, एक बड़ी कटोरी हमने चीनी ली है, 2 से 3 चम्मच हमने घी लिया है। आप ड्राई फ्रूट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले मैं गाजर को कद्दूकस कर लूंगी। ये मैंने कद्दूकस लिया है, मैं बारीक वाली साइड से कद्दूकस करूंगी। ये मोटी साइड है और ये बारीक साइड है। और ये देखो कितने अच्छे से कद्दूकस हो रही है गाजर। और इसी प्रकार से मैं अपनी सारी गाजर को कद्दूकस कर लूंगी। और ये हमारी सारी गाजर अच्छे से कद्दूकस हो चुकी हैं। ये हमारी गाजर अच्छे से कद्दूकस हो चुकी हैं। ये 1 किलो गाजर है। तो आइए अब बनाते हैं गाजर का हलवा। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, ये मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। आप चाहे कोई भी कढ़ाई यूज कर सकते हैं। और अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दूंगी। और 1 चम्मच के करीब मैंने घी बचा लिया है। हमारा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें ये गाजर डालूंगी। और अब मैं इस गाजर को अच्छे से भून लूंगी। हम गाजर के हलवे में दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ मलाई का ही इस्तेमाल करेंगे। ना हम इसमें खोया डालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम हलवा बनाएंगे ये। अब मैं इस गाजर को 1 से 2 मिनट ढक के रख दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से पककर तैयार हो जाए गाजर हमारी। ये ढके हुए को 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलते हैं और इसे अच्छे से भूनेंगे। ये देखो कितने अच्छे से वैसे भी भून कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मलाई डालूंगी, जो ये मैंने 1 कटोरी मलाई ले रखी है। इस मलाई को इसके अंदर डाल दूंगी मैं। और इसे मिक्स करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारी मलाई गाजर के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 कटोरी ये चीनी डाल दूंगी। ये लगभग 250 ग्राम के आसपास चीनी है। आप मीठा अपने हिसाब
हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। और अब मैं ये चीनी को मिक्स कर लूँगी जिससे कि हमारे गाजर का हलवा बहुत ही बढ़िया आएगा। और ये हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और चीनी ने पानी भी छोड़ दिया है। अब मैं इस चाशनी को अच्छे से सुखा लूँगी। चीनी की चाशनी है जो इसने छोड़ी है, इसे अच्छे से सुखाऊंगी। और इसका कलर भी कितना अच्छा तैयार हुआ है। ये हमारा चाशनी सूखने लगी है और इसे मैं इसी प्रकार से चाशनी को सूखने दूंगी। ये हमारे गाजर के हलवे ने सारा पानी सोख लिया है, जो चाशनी थी चीनी की वो सारी सोख ली है। अब मैं इसमें ये एक चम्मच जो घी बचाया हुआ है ये इसमें डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से भून लूंगी। और साथ ही मैं इसमें ये किशमिश डाल दूंगी, बादाम डाल दूंगी मैं इसमें, और ये काजू भी डाल दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। और अब मैं इसमें चौथाई चम्मच में इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी जिससे कि हमारे हलवे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये हमारा हलवा भूनकर अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे मैं एक मिनट के लिए और भूनूंगी। और इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है हमारे हलवे का। हमने इसमें खोया भी नहीं डाला है ना ही दूध, सिर्फ एक कटोरी मलाई से हमने ये गाजर का हलवा तैयार किया है। ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। गैस को मैं बंद कर दूंगी और हलवे को एक प्लेट में मैं सर्व करूंगी। अब मैं इस पे थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दूंगी। और ये हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।